सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। पिछले 3 महीनों में शहर में होने वाले ऑर्गेनाइज क्राइम में काफी कमी आई है। टेररिज्म तो जैसे खत्म ही हो गया है, लेकिन कत्ल की वारदातों में कमी नहीं आई है। कई केसेस में तो अभी तक असली कातिल का पता भी नहीं चला है। जाधव, कातिल का पता लगाना पड़ता है, उसे ढूंढना पड़ता है। वो अपने आप पैरों पर चलकर पुलिस स्टेशन नहीं आता। एक्सक्यूज मी। यस। मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है। क्या? मैंने अपनी बीवी को मार डाला। बैठिए। आप कौन है और आपने अपनी पत्नी को क्यों मार डाला? जी, मेरा नाम राजन अग्रवाल है, एनवेस फाइनेंसिंग का मालिक। 3 साल पहले अवंतिका से मेरी मुलाकात नेपाल में हुई। हमारी मुलाकात के 1 महीने बाद ही हमने शादी कर ली। शादी के बाद हमारी जिंदगी खुशहाल थी। अवंतिका ने मुझे वो सब कुछ दिया जो एक पत्नी एक पति को दे सकती है। लेकिन अचानक 1 महीने पहले एक फोन कॉल ने हमारी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। हेलो, हाँ मैं अवंतिका बोल रही हूँ। तुमने यहाँ फोन क्यों किया? देखो, हमारा रिश्ता कब से खत्म हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ फोन करो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को हमारे बारे में कुछ भी पता चले। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये प्रॉब्लम तुम्हारी खुद की क्रिएट की हुई है। नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगी। गुड इवनिंग। आप कब आए? बस अभी। किसका फोन था? किसी का भी नहीं। मतलब? मेरी एक पुरानी सहेली का था, मिलना चाहती थी। I see. तो फिर उसे यहाँ बुला लिया होता। ऐसे मतलबी दोस्तों के होने से ना होना अच्छा है। Anyway, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। बात वहीं खत्म हो गई। मैं उस फोन कॉल को भूल ही गया था। लेकिन उसके 2 दिन बाद जब मैं एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में कोहिनूर रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। अग्रवाल साहब, मेरा गारंटी है नहीं, फिल्म में पैसा आपका नहीं डूबेगा नहीं, छोटे मोटे धंधे में पैसा नहीं लगाने का। मेरे पास प्रपोजल है, बहुत बड़ा बड़ा प्रपोजल है। ये खान भाई है ना, जितने भी खान भाई है ना, मेरे जेब में है। आप सिर्फ हाँ बोल दो नहीं। देखिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल है, लेकिन रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, बिकॉज द इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई। आपको टेंशन नहीं लेने का जी, फिल्म चले नहीं चले, आपका पैसा ब्याज के साथ वापस आ जाएगा। नहीं तो बताइए क्या रहता है। अरे भाई, हम क्या बोल रहे हैं सोचो नहीं। अरे देखो बाबा, हम क्या बोल, मैंने आपसे कहा ना, मुझे फिल्मों को फाइनेंस नहीं करना। अरे बाबा, हम तुम्हारे भले की बात बोलता ही नहीं। अवंतिका, 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 क्या है? आप इतनी जल्दी? इतनी देर से तुम्हें बुला रहा हूँ, कहाँ हो तुम? आपको मेरे हाथ के गोभी के पराठे अच्छे लगते हैं ना, वही बना रही थी। तुम कहां गई थी? कहां गई थी, कब? आज शाम को। आज तो मैं कहीं भी नहीं गई, सुबह से घर में हूं।
देखो वंदिका, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे झूठ पसंद नहीं। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन झूठ नहीं। मैं तो बिल्कुल सच कह रही हूं, लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? सच सच बताओ, आज कोहिनूर रेस्टोरेंट में तुम किसके साथ थीं? कोहिनूर? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आज तक कोहिनूर नहीं गई। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा है। कोहिनूर रेस्टोरेंट में तुम किसी साथ बैठकर सिगरेट पी रही थी। आप कैसी बहके बहकी बातें कर रहे हैं? सिगरेट और मैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो अवंतिका, वो तुम थी, तुम ही। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? आज तक मैंने कभी आपसे झूठ बोला? अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो पंडित से पूछिए, आज सारा दिन मैं इसके साथ किचन में थी। धोखा मैंने नहीं, आपकी आंखों ने आपको दिया होगा। आपने किसी और को देखा और मुझ पर बरस पड़े? मेरी प्यार और वफा का ये सिला दिया आपने? ना बड़ा इल्जाम लगाने से तो अच्छा था कि आप मेरी जान ले लेते, मैं उफ भी नहीं करती। मुझे लगा जैसे मेरी आंखें सचमुच धोखा खा गई। उसके 2-3 हफ्ते तक मैं अपनी बीवी वंतिका को मनाता रहा, मगर उस रोज राजन, इससे मिलो, मेरे बचपन की सहेली सुचेता। हाय। हाय। हम दोनों साथ ही पढ़े हैं। एक जमाना था जब हम दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, है ना? आपने कभी बताया नहीं? बस मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, अब तो मुलाकात हो गई है। वैसे मैं भी अवंतिका से काफी सालों बाद मिली हूँ, है ना? हाँ अवंतिका, मैंने तुम्हें एक हफ्ते पहले प्लाटून में देखा था। मैं तुम्हें आवाज भी थी मगर तुमने पलट कर देखा नहीं। लेकिन मैं तो आज तक प्लेटून नहीं गई भाई। क्या बात कर रही हो, मैंने तुम्हें खुद देखा था, तुम्हारे साथ एक आदमी भी था। मैंने सोचा वो तुम्हारे हस्बैंड होंगे। वो कौन था? क्या बात कर रही हो, मैंने कहा ना मैं प्लेटून कभी नहीं गई, मैं जरूर धोखा हुआ होगा। क्या बात कर रही हो अवंतिका, मेरी आंखें तुम्हें पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। वैसे तुम्हें बताना नहीं है तो कोई बात नहीं। ये क्या? राजन, राजन प्लीज, प्लीज राजन। I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि वो। राजन प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तुम मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही हो। आखिर वो कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपाना चाहती हो? ऐसी कोई बात नहीं राजन। तुम्हारी सहेली झूठ बोल रही थी क्या? झूठ नहीं बोल रही थी, मजाक कर रही थी, उसकी आदत है। ओ कम ऑफ इट, उसने जरूर तुम्हें किसी और के साथ देखा होगा। नहीं मिस्टर राजन, सचमुच एक मजाक था। मुझे क्या पता आप इस बात को इतना सीरियसली ले लेंगे। कम ऑन, तुम अपनी सहेली को बचाने की कोशिश कर रही हो। नहीं मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। I swear, I was just joking. सच बात तो ये है कि मैं खुद कभी प्लेटून नहीं गई तो अवंतिका को वहां देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। राजन, believe her, she's like that. ये बचपन से ही ऐसी है, मजाक करती रहती है। Please. देखिए, आपका नाम जो भी है, आइंदा ऐसा मजाक कभी मत कीजिएगा। ये किसी की हैप्पीली मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। I'm sorry. मुझे सचमुच ऐसा मजाक वाकई नहीं करना चाहिए। सॉरी अवंतिका, प्लीज। राजन, अब तो यकीन है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसकी सहेली पहले सच कह रही थी या बाद में? बाद में ही खत्म हो गई। मैं तो इस बात को भूल ही गया था, मगर उस दिन जब हम शॉपिंग करके लौट रहे थे तो I'm so sorry. Bags बहुत भारी है ना? क्योंकि मेरा पर्स जो इतना हल्का। I think मेरा पर्स ऊपर रह गया। तुम चलो, मैं भी आता हूँ। I'll be there in a sec.
क्या बात है नीतू, पिकनिक कॉटेज में भी नहीं है, कोई फोन भी नहीं किया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं समझा, अग्रवाल साहब साथ में हैं, कोई बात नहीं, मैं फोन करूंगा। फोन रिसीव तो करोगी ना? मैंने कहा ना, मैं आपको नहीं जानती। ओ कम ऑन नीतू डार्लिंग, ऐसी भी क्या बेरुखी है? मेरा नाम नीतू नहीं है, समझे आप? Oh, I'm sorry. मुझे लगा शायद आप। I'm really sorry. पर्स मिला? हाँ, चले। Thank God, चलो। क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कौन था वो? कौन? वही जो शॉपिंग सेंटर के बाहर तुमसे हंस हंस के बातें कर रहा था, तुम्हें नीतू नीतू कह रहा था। वो? मैं नहीं जानती उसे, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गया था वो, मुझे कोई और समझ रहा था। अच्छा, उसे जरूर कोई धोखा हुआ है। याद है तुम्हें भी तो एक लड़की दिखी थी मेरे जैसी होटल में, हो सकता है उसी का नाम नीतू हो। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? मेरे दिल में शक का बीज तो पड़ ही चुका था। मैंने अपनी बीवी पर नजर रखना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ जो मेरे शक को यकीन में बदल दे। लेकिन आज जब मैं नेपिनसी रोड वाली ब्रांच से घर वापस लौट रहा था, तो मैंने अपनी पत्नी को कार में जाते हुए देखा। मैंने उसका पीछा किया। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं। कहां से आ रही? मैं अपनी एक सहेली से मिलने गई थी। सहेली से या अपने यार से? क्या मतलब? बस अवंतिका, और ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अचानक तुम्हें क्या हो जाता है? कैसी बातें करने लगते हो? बेवफा औरत, तेरे आंसू तेरी घटिया हरकतों पर पर्दा नहीं डाल सकते। तूने मेरे साथ कभी प्यार नहीं किया। तेरा प्यार एक फरेब था, मेरी दौलत को हासिल करने का, ताकि तू बाकी की जिंदगी अपने यार के साथ रंगरेलिया में लाती रहे, ऐश करती रहे। क्या तुमने मेरे प्यार को गाली दी? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मेरी तो सिर्फ सोच घटिया है, लेकिन तू, तेरी हरकतें इतनी नीच और घटिया है कि तुझे औरत कहना भी औरत का अपमान होगा। बस करो,
तुम्हें तुम्हारी दौलत मुबारक हो। इतने अपमान, इतनी जिल्लत, इतने इल्जाम के बाद मैं इस घर में एक पल भी नहीं ठहरूंगी। मैं जा रही हूँ। कहाँ? अपने यार के पास? हाँ हाँ, अपने यार के पास। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मुझे मारोगे? मुझे? हाँ, चाहे उसके बाद मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए। अगर मैंने तुम्हें आज तुम्हारे यार के साथ देखा नहीं होता तो एक बार फिर धोखा खा जाता। ये तुमने ठीक नहीं किया। मेरे प्यार का तुमने ये सिला दिया है मुझे। तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरी वफा का ये सिला दिया है तुमने। तुम्हारी बेवफाई की एक ही सजा है, मौत। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। हे भगवान, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मैंने उसे इसी पिस्तौल से मार डाला। लाश कहाँ है? वहां सोफे के पीछे लाश पड़ी। यहां पर तो कोई लाश नहीं है। क्या? लेकिन लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने उसे वहां गोली मारी थी और उसकी लाश वहीं गिरी थी, खून में लथपथ। जा, लाश तो क्या, खून के धब्बे तक नहीं है। लेकिन लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है किसी ने लाश को ठिकाने लगा दिया हो। लेकिन कोई और लाश को ठिकाने क्यों लगाएगा? सिराजन, क्या आपको अच्छी तरह से याद है क्या आपने अपनी पत्नी पे यहीं पे गोली चलाई थी? जी, इसमें भूलने का सवाल ही पैदा कहां होता है। अजीब बात है, अगर लाश यहां थी तो यहां से गायब कैसे हो गई? इस वक्त कौन हो सकता है? दरवाजा खोलेंगे तो पता चलेगा ना। एक्सक्यूज मी।